नमस्कार दोस्तों, मैं पायलट सुमित का फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्मार्ट कोच, जिसका निर्माण भारतीय रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में हुआ है। इन स्मार्ट कोचों में कई नई विशेषताएं हैं जो यात्रियों को सुरक्षा में बढ़ाने में मदद करेंगी। और रेल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 100 और स्मार्ट कोचों का पायलट परियोजना के तहत निर्माण होना है। इन स्मार्ट कोचों में क्या क्या विशेषताएं और इन्हें स्मार्ट कोच क्यों कहा जा रहा है? इसमें कुछ सेंसर लगे हैं जो डिब्बे से पटरी तक की खामियां का पता लगाएंगे। इससे संबंधित तमाम जानकारी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम को भेजते रहेंगे। ये नए स्मार्ट कोच डायग्नोस्टिक सिस्टम पर काम करेंगे, यानी इनके पहियों पर खास तरह का वाइब्रेशन सेंसर लगाया जाएगा, जिसे सेल्फ पावर हार्वेस्टिंग सेंसर कहते हैं। यह सेंसर पटरी या ट्रैक कमजोर तो नहीं है या उसमें कोई कमी तो नहीं है, इसका पता लगाने में सक्षम होंगे। किसी कमी का पता लगाने के बाद इसका अलर्ट मैसेज तुरंत कंट्रोल रूम को भेजा जाएगा। सेंसर इस बात का भी अनुमान लगाएंगे कि जिन जगहों से होकर रेल का डिब्बा गुजर रहा है, वहाँ की पटरी यानी रेलवे ट्रैक सही है या नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की कमी होगी तो यह सेंसर इसकी इन्फॉर्मेशन रेलवे को दे देगा और इससे होने वाले एक्सीडेंट को भी रोका जा सकेगा। इन कोचों में कुछ खास कंप्यूटर लगाया गया है और इनकी खासियत यह है कि ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का कंप्यूटर है। इसमें रिमोट सर्वर पर रिपोर्ट भेजने के लिए जियो सिम नेटवर्क प्रदान किया गया है। डिब्बे में लगाई गई यह डिवाइस कोच डायग्नोस्टिक प्रणाली के साथ साथ एयर कंडीशनिंग, डिस्क ब्रेक सिस्टम पर है, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम और वाटर लेवल इंडिकेशन जैसी तमाम जानकारियों का एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा करेगा। इसके बारे में एक एडवांस इन्फॉर्मेशन संबंधित रेलवे डिपार्टमेंट को भेजता रहेगा। यह स्मार्ट कोच अगले स्टेशन और लोकेशन की जानकारी भी देगा। इस कोच में GSM नेटवर्क के साथ पैसेंजर इन्फॉर्मेशन एंड कोच कंप्यूटिंग यूनिट भी लगाया गया है, जो मुख्य रूप से कोच के रखरखाव और यात्री इंटरफेस की महत्वपूर्ण क्षेत्र की निगरानी करेगा। यह इन्फॉर्मेशन सिस्टम ट्रेन की अगली लोकेशन को अगले स्टेशन के बारे में सूचित करेगा और साथ ही साथ यह भी बताएगा कि अगला स्टेशन कितनी देर में आएगा। ट्रेन की स्पीड की भी इस सिस्टम से जानकारी निकाली जा सकती है। स्मार्ट कोच में CCTV कैमरों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता वाले CCTV कैमरे कोच में लगाए गए हैं। इससे ना सिर्फ हाउसकीपिंग, TT, ट्रेनों की पेंट्री, संदिग्ध पैसेंजरों पर नज़र रखना आसान होगा, बल्कि इसमें 30 दिनों तक की CCTV रिकॉर्ड सेव रहेगा, जिसकी वजह से अपराध होने पर यह उसे सॉल्व करने में मदद करेगा। इसमें टॉकबैक सिस्टम इमरजेंसी के लिए भी लगाया गया है, यानी कि कोच के पैसेंजर टॉयलेट के पास लगे इस सिस्टम के बटन को दबाकर सीधा गार्ड से इमरजेंसी के समय बात कर सकेंगे और मदद ले सकेंगे। क्या क्या सुविधाएं और मिलेंगी इस कोच में यात्रियों को? तो इस कोच में AC, डिस्क ब्रेक सिस्टम, फायर डिटेक्शन, अलार्म सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं। स्मार्ट कोच में वाईफाई, हॉटस्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी प्रदान किया गया है। यात्री खुद ब खुद हॉटस्पॉट से अपने स्मार्टफोन को जोड़ सकेंगे और अपने मोबाइल पर फ़ोन में ही फिल्में, गाने जैसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख सकेंगे। इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर भी लगाए गए हैं। स्मार्ट कोच में सेंसर कंट्रोल रूम का ब्यूरो भेजेगा कि कोच में पानी ख़त्म तो नहीं हो गया या ख़त्म होने वाला है या उसका कितना लेवल रह गया है। यदि पानी कोच में ख़त्म हो रहा है तो ये सेंसर पहले ही अलर्ट भेज देगा ताकि अगले स्टेशन पर पानी भरवाया जा सके। पायलट स्कीम के तहत पहले 100 कोच को बनाया जा रहा है। रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर श्री राजेश अग्रवाल के अनुसार इस तकनीक के जरिए स्मार्ट कोच को बनाने में प्रति कोच की जो कीमत है 15 लाख की लागत आ रही है। पहले चरण में 100 स्मार्ट कोचों को ट्रेन में लगाया जाएगा। अगर सब कुछ सही से काम करता है तो बड़े पैमाने पर रेलवे में सभी ट्रेनों में स्मार्ट कोचों को लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, थम्स अप, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। इसी संबंध में अगर आपकी कोई और अपनी राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद।